बाण रे द्वादश कोट जहां जम किंकर वह बड़े बड़े दैत्य हवान रे धर्मराय की दरगाह माही में हो खेचा तान रे लख 84 कठिन 83 बचन हमारा मान रे जैसे लोह तार जंती में तेरे ऐसे खेचे प्राण रे जुन्नी संकट मेट देत हम शब्द हमारा मान रे हरदम जाप जपो हर हीरा चलना आम दीवान रे स्वर्ग रसातल लोक कुसातल ये रचे जमी आसमान रे 14 तपक किए छन माही सरजे शशि अरुबान रे निर्गुण नूर जहूर जुहारो नरक परख परवान रे गरीब दास निज नाम निरंतर सतगुरु देव दान रे अपने आत्माओं परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले उन महापुरुषों ने उस परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद अपने अनुभव की वाणी में बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। अब जैसे पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ हमारा उद्देश्य क्या है। हमारी बुद्धि काल ने इतनी सीमित कर दी कि हमने इतना ही ज्ञान था कि बच्चे हो जा पहले पढ़ लिख लें, शिक्षा या कोई रोजगार शुरू हो जाए, कोई नौकरी मिल जावे या अपना कोई धंधा कर ले, ब्याह हो जा, विवाह के बाद संतान की आस, संतान के बाद फिर उसकी पढ़ाने लिखाने में या उसकी कोई रोजगार बनाने में, फिर संतान के संतान की आस और फिर बेशक मृत्यु हो जा, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ तक मान रखा था। जैसे पहले ये तत्व ज्ञान नहीं था, उस समय बूढ़े बुजुर्ग गा के बतलाया करते, बातें करते, हुक्का पाड़ा करते और एक दूसरा बतलाया करता भाई, जैसे कोई रिश्तेदार आ गया और उससे कोई पूछता और ठीक हो संतान कितनी है तो क्या बताते थे बुजुर्ग के भाई 2 लड़के 2 लड़की हैं और सब पर पुत्र पुत्री भगवान ने दया कर रखी है और हमारा तो जीवन सफल हो गया, भगवान बेशक उठा ले, यानी हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों को की विवाह कर दिया, उनका रोजगार हो गया और उनका संतान होगी, अब हमने बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए नो प्रॉब्लम, हमारा जीवन सफल हो गया। वो इन्हों कहा करते थे। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला वो तो जीवन खो दिया, सफल कहाँ हुआ, तो व्यर्थ हो गया। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना था वो तो स्टार्ट भी ना करा। अब कोई न्यू कहे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे 2 कोठी बना दी, मैंने इतना फल जो है व्यवसाय बढ़ा दिया, यह भूल है जीव की। क्योंकि जो कुछ भी आपको मिलना था, पुत्र या पुत्री या अन्य भी कोई संपत्ति आपको प्राप्त होनी थी, ये आपके प्रारब्ध में पहले लिखी हुई थी, आपके ना चाहे हुई ना किए हुई। जैसे संतान होते ही, विवाह होते ही संतान की डिमांड होती है कि पुत्र हो जा। अब ये एक विशेष कसक होती है कि पुत्र हो। अब पुत्र ना होकर पुत्री होगी, फिर आशा होती है भगवान अब कहते पुत्र दे, दूसरी संतान हो तो पुत्र हो और दूसरी भी पुत्री होगी और तीसरी फिर आस करी है भगवान, तीसरी तो लड़का हो ही हो तो, और तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की, पांचवी लड़की होगी। अब ना तो जीव का चाया हुआ ना किया हुआ, वही हुआ जो उसके भाग्य में था। तो पुण्यात्माओं ये कहकर वो अपना जीवन बर्बाद किया करते थे कि मैं हमारे सारा मौज होगी और मैंने इतनी कोठी बना दी, इतना और जमीन खरीद दी, 2 प्लाट और ले रखे हैं, ठाठ कर दिए और पुत्र ऐसे संतान होगी, पुत्रों के बच्चों का भी बच्चे हो गए और भगवान बेसिक उठा ले, जीवन सफल हो गया। वो तो खो दिया तेने, जो मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया।
प्रारंभ ही नहीं कर पाया तू, तो उसके लिए फिर कोई पुण्यात्मा यदि परमात्मा की भक्ति करते भी हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका कोई लाभ नहीं। इसमें क्या बताया परमात्मा की महिमा के विषय में जानकारी दी है कि मन मान सरोवर नहा नरे, जैसे यहाँ तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, कहती यहाँ कोई लाभ नहीं, इन जोड़ों में नहाते मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जिन तालाबों में जिन सरोवरों में तुम स्नान करने जाते हो तुमसे पहले वहाँ बहुत से जीव जंतु मछली कछुए मेंढक उसके अंदर ही रहते हैं, यदि उस तालाब में नहाते मोक्ष हो तो तुमसे पहले वो पार हो जाते, वो पार नहीं हुए, वो तो वहीं धक्के खा रहे हैं, बिरान माटी हो रही उनकी कीचड़ में पड़े। तो इस तरह परमात्मा ने हमें समझाने की चेष्टा की है कि जो साधना तुम कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है और तुम्हारी बहुत बुरा हाल होगा। मन मान सरोवर गंगरे, जाका बिछड़ा तहां मिलाऊं, करो साध सत्संग रे। अपने आत्मा किसी सदग्रंथ को देख लिए लीजिए, उसका एक ही अर्थ एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण संत की खोज करो और पूर्ण संत से उपदेश लेकर अपना कल्याण करा लो। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। जो हम ज्ञान दे रहे हैं इसको सुनिए, और जहां से तुम आए थे सतलोक से तुझे वहीं पहुंचा दूंगा। दैन्य गंगा बम जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल विश कुसमल मोच होते हैं, पल पल पर भी अंग्रे। कहते हैं ऐसा नाम दूंगा, अब कि तेरे गंगा जमुना सरस्वती उस नाम से ही सब कुछ लाभ मिलेंगे, और कल्बिस कुसमल मोक्ष होते हैं, ये सभी घोर पाप, कल्बिस माने पाप अपराध, ये सब मोक्ष हो जाएंगे, और वहाँ इस नाम के पर भी, नाम का जो जाप है ये दिन रात पर भी लगी रहती है, इसका जाप करिए। काशी क्रोत का है ले ही, बिना भजन नहीं ढंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परमात्मा पहले इन क्या कर रखा था, नकली गुरुओं ने नकली ब्राह्मणों ने काशी में एक मनुष्यों को काटने का एक उन्होंने एक बुचड़खाना बना दिया और बोली आत्माओं को भ्रमित कर दिया कि जो परमात्मा की तरफ से एक क्रोत आता है, और वो लगा बना रखे उन्होंने एक अपना सुनियोजित षड्यंत्र गंगा के किनारे, और एक ऐसी गुफा सी बना रखी थी और उसके ऊपर छत से उसके ऊपर रूप के अंदर एक सुराख छोड़ दिया, उसमें से आ रहा आता था और उस क्रोत आता था, क्रोत वो लकड़ी काटने का लंबा सा, उसके दोनों तरफ हैंडल होते थे, उन हैंडलों कर से बांध कर दूर से कंट्रोल अंडरग्राउंड पाइप डाल के और दूर से रस्से कंट्रोल कर रखे थे, उनको ऐसे खींच ले घुमा लेते तो वो ऊपर चला जाता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता वो छत में, और जब आदेश होता आवाज़ लगाते वो नीचे आ जाता, वो हैंडलों से रस्से लूज कर देते, ढीले कर देते और वो एकदम नीचे आ जाता, और नीचे से उसको फिर ऐसे खींच कर उसकी गर्दन काट डालते थे। और उन्होंने कह रखा था कि जो इस काशी में गंगा के किनारे क्रोध से गर्दन कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, उसकी फीस रख दी 10-20 रुपये।
परमात्मा की चाहने वाली पुण्यात्माओं ने वहाँ गर्दन कटवाना भी प्रारंभ कर दिया कि भगवान मिल जावे, स्वर्ग प्राप्ति हो जावे। पहले हम स्वर्ग को ही फाइनल मान रहे थे, इतना ही ज्ञान हमारे तक को दे रखा था इन्होंने। तो क्या बताते हैं, काशी क्रोत काहे लेही, बिना भजन नहीं डंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत की, संतों का सत्संग करो, और करोड़ ग्रंथों का एक ही निष्कर्ष है कि संत पूर्ण बिना बात बने को नहीं। बिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल चाल बिहंगरे, दिव दृष्टि से दर्शन करते हैं, दिव दृष्टि तो दर्श करते हैं, हरदम कला उमंगरे। परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान ध्यान है, सोहम सुरत सुहंग्रे। अजपा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे, गरीब दास दर्शन देवा के, देख भया चत भंगरे। अब परमात्मा के बारे में आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें बता रहे हैं कि जो हम आपको निज मंत्र बता रहे हैं, सतनाम दो अक्षर का होता है। इस दो अक्षर के नाम के जाप से आपको इतना लाभ हो जाएगा, जैसे स्वर्ग के अंदर कामधेनु एक गाय बताई, और उस कामधेनु गाय के सामने जाकर जो भी आप खाद्य पदार्थ, सुख पदार्थ जो प्राप्त करना चाहो, स्वर्ग के देवता उसके आगे अर्ज करते ही कहते हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध करा देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जो मंत्र हम आपको देंगे, ये आपके वही काम देनु का काम करेगा। जो दो अक्षर का है, और उसके जाप से फिर आपको पूर्ण लाभ होगा, यहां भी सुख होगा, सतलोक भी चले जाओगे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बात दो नदी बिहंगा, गरीब दास वह बव जल डूबे, नहीं साध सतसंगा। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की, उतरा चाहे पार। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की, उतरा चाहे पार। जैसे भादो के महीने में, भादो के महीने में वर्षा अधिक होने से दरिया बहुत लंबी चौड़े विस्तार से भरकर चलती है, बहती है, और ऐसे भयंकर दरिया को पार करने के लिए कोई पूछे किसी से कि क्या साधन है इसको पार जाने के लिए, और कोई उसको बता दे कि भेड़ की पूछ पकड़ ले, ये भेड़ तुझे परले पार कर देगी, तो वो साधन ठीक नहीं है दरिया से पार होने का। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि दरिया से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, वो पार कर सकती है। ऐसे ही तुम जो साधनाएं कर रहे हो, आन उपासना कर रहे हो, वो तुम्हें पार नहीं कर सकती। इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, क्योंकि इस काल ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा वजन बना रखा है। हम बहुत जल्दी अक्षुब्ध हो जाते हैं कि ब्राह्मणों के बारे में ऐसे ही बोल दिया। नहीं, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। जैसे मेरे गुरुदेव जी थे, वो पंडित ब्राह्मण थे, परंपरागत जाति से, पैतावास गांव है दादरी के पास जिला भिवानी में, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी, यानी गुरुजी के गुरुजी,
गांव छावला दिल्ली में।